हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव फिल्मी वेब। आज हम देखेंगे साल 2019 में आई थाई हॉरर मूवी घोस्ट वाइफ। ये मूवी एक रोमांटिक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसकी एंडिंग बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। इस मूवी की स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें हॉरर और रोमांटिक दोनों का कॉम्बिनेशन, एंड आई होप आप लोगों को भी ये मूवी काफ़ी पसंद आएगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हम एक टीनेज लड़की ऐना को देखते हैं जो कि अपनी हायर स्टडीज के लिए अपने गांव से शहर आई है। वो अभी 10th स्टैंडर्ड में है और उसने अपने स्कूल के पास ही एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है रहने के लिए। आज उसके स्कूल का पहला दिन है और वो पहले ही दिन लेट हो गई थी। वो बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी और यहाँ उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है जो कि उसी के स्कूल में पढ़ता था। इस लड़के का नाम मैक है और वो ऐना का सीनियर था। वो ऐना को फर्स्ट टाइम देखता है तो देखता ही रह जाता है। लव एट फर्स्ट साइट तो आपने सुना ही होगा। शायद ऐना को देखते ही मैक को भी यही हुआ था और वो ऐना के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। यहाँ दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं लेकिन ऐना थोड़ी टेंस लग रही थी क्योंकि आज उसके स्कूल का पहला ही दिन था और बस थी कि आ ही नहीं रही थी। तब मैक दोनों के लिए कैब बुक करता है। ऐना उसे कहती है कि वो बस से ही चली जाएगी, लेकिन लेट होने की वजह से वो मैक के साथ कैब में जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन फ्री में नहीं। वो अपना शेयर मैक को पे करती है और बस यहीं से शुरू होती है दोनों की लव स्टोरी। सभी रिलेशनशिप्स की तरह पहले दोनों की दोस्ती होती है, फिर साथ में टाइम स्पेंड करना, क्लास खत्म होने के बाद एक साथ घर जाना, घर जाकर एक दूसरे से कॉल्स और मैसेज पर बातें करना, यही उनका डेली रूटीन बन चुका था। देखते ही देखते साल खत्म होने को आया और ऐना के एग्जाम्स आने वाले थे। मैक डिसाइड करता है कि वो एग्जाम्स के लिए ऐना की पूरी हेल्प करेगा। वो अपने नोट्स लेकर ऐना के अपार्टमेंट पहुँचता है जिसे देख ऐना बहुत ही खुश हो जाती है। वो लोग वहाँ पढ़ रहे थे लेकिन उस अपार्टमेंट में रहने वाले बाकी के लोग उनके रिलेशन को लेकर कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस थे। उन्हें देखकर ऐना मैक को कहती है कि हम मेरे रूम में जाकर पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। इसी तरह से रोज मैक उसे अच्छे से गाइड करता है और एक दिन पढ़ाई करते करते काफ़ी लेट हो जाता है तो मैक रात को ऐना के अपार्टमेंट में ही रुक जाता है। रात में वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में जरूर थे लेकिन वो लोग अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते। ऐना बेड पर ही सो जाती है और मैक नीचे जमीन पर। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है और मैक कभी कभी रात को ऐना के अपार्टमेंट में रुक जाया करता था। वो दोनों अपने रिलेशन में बहुत खुश थे लेकिन वहाँ रहने वाले और लोगों को उनके बारे में अफवाहें फैलाने का अच्छा मौका मिल गया था। ऐना और मैक उन लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते और देखते ही देखते ऐना के एग्जाम्स भी खत्म हो जाते। एग्जाम्स तो खत्म हो गए थे पर मैक और ऐना का मिलना ऐसे ही चलता रहा। एक रात जब मैक ऐना के घर रुका हुआ था तो वो लोग करीब आ गए थे। सुबह होती है तो ऐना मैक से कहती है कि ये हमने ठीक नहीं किया। तब मैक उसे कहता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कैसी भी सिचुएशन हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है और वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई खत्म होते ही हम लोग शादी कर लेंगे। इसके बाद दोनों ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही रहने लगे थे और इन दोनों के रिलेशन के बारे में पूरे स्कूल और मोहल्ले में अफवाहें फैल चुकी थी। एक दिन जब ऐना क्लासरूम में थी तब उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। ऐना जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि मैक और उसकी मॉम पहले से ही वहाँ मौजूद है। किसी तरह से मैक की मॉम को भी उनके रिलेशन के बारे में पता चल गया था क्योंकि ऐना एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए मैक की मॉम को लगता था कि ऐना उनके बेटे को सिर्फ पैसों के लिए फंसा रही है क्योंकि मैक एक बहुत ही रिच और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। मैक की मॉम ऐना को बहुत सारी बातें सुनाती लेकिन मैक ऐना की ही साइड लेता है क्योंकि वो जानता था कि ऐना को पता भी नहीं था कि उसकी फैमिली कितनी रिच और वेल कनेक्टेड है। इधर ये बात ऐना के घर तक भी पहुँच गई थी। ऐना की मॉम वहाँ आती है और वो मैक की मॉम की तरह बिल्कुल नहीं है। वो ऐना की फीलिंग्स को समझती है लेकिन फिर भी वो ऐना को मैक से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि मैक की मॉम कभी भी उसकी शादी एक गरीब घर की लड़की से नहीं होने देगी। तो बेहतर यही होगा कि दोनों के रिलेशन को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, इसी में सबकी भलाई है। नेक्स्ट डे ऐना स्कूल जाती है तो देखती है कि मैक स्कूल नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसके पास मैक का मैसेज आता है कि उसकी मॉम उसे अब्रॉड भेज रही है और आगे की पढ़ाई अब उसे वहीं करनी होगी। वो ऐना को मैसेज करता है कि वो जा तो रहा है लेकिन वो इस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ेगा और पढ़ाई जल्दी ख़त्म करके वापस आएगा और उससे शादी करेगा। ऐना मैसेज पढ़कर बिल्कुल टूट गई थी। अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। वो अपनी मॉम को आकर बताती है कि मैक चला गया और उनके गले लगकर बस रोती रहती। उसकी मॉम किसी तरह से उसे चुप कराती है और अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देने के लिए कहती है। अभी ऐना मैक के जाने के डर से उभरी भी नहीं थी कि कुछ दिन बाद उसे एक और झटका मिलता है। ऐना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ऐना की मॉम उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो उसे कहती है कि अभी तो मैक तुमसे प्यार करता है लेकिन क्या वो वापस आने पर भी उतना ही प्यार करेगा और इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी है? एक सिंगल मदर होना कितना मुश्किल है ये मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि उसकी मदर भी एक सिंगल मॉम थी। उसकी मॉम के काफ़ी समझाए जाने के बाद ऐना अबॉर्शन के लिए रेडी हो जाती।
मैक को बताए बिना ही ऐना की मॉम उसे गांव में एक क्लिनिक पर लेकर जाती है जहां इलीगली अबॉर्शन किया जाता था। अब क्योंकि बदनामी होने का डर भी था इसलिए दोनों एक लोकल डॉक्टर के पास आते हैं ताकि बिना किसी को पता चले अबॉर्शन हो जाए और किसी को भी इस बात का पता ना चले कि ऐना बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई थी। इस बदनामी के डर के कारण ये लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके थे क्योंकि ये लोग एक ऐसे डॉक्टर के पास आ गए थे जिसे ऑपरेशन करना आता ही नहीं था। ऑपरेशन के दौरान ऐना को बहुत पेन होता है क्योंकि वो डॉक्टर बिना उसे बेहोश किए ऑपरेशन कर रहा था। इस पेनफुल प्रोसीजर के बीच ऐना को हैवी ब्लीडिंग होने लगती है और वो उसी ऑपरेशन टेबल पर दम तोड़ देती है। ऐना की आत्मा अपना शरीर छोड़ चुकी थी, वो अपनी बॉडी को ऑपरेशन टेबल पर पड़ा हुआ देखती है। अब ना तो वो जिंदगी पा सकी जिसके लिए उसने इतना दर्द सहा और ना ही वो अपने बच्चे को बचा सकी। उसे सबसे नफरत होने लग गई थी, यहाँ तक कि अपनी मॉम से भी, क्योंकि उनकी वजह से ही तो वो और उसके बच्चे को मरना पड़ा। उसकी मॉम ऐना के रूम से उसका सामान लेके जाने के लिए आती है लेकिन रूम में एंटर करते ही उन्हें ऐना के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। ऐना की आवाज़ सुनकर वो तो वहाँ से चली जाती है लेकिन ऐना उसी बिल्डिंग में रह जाती है अपने बच्चे के साथ। इधर बिल्डिंग की ओनर सबको बताती है कि ऐना की मौत हो चुकी है मगर कैसे ये किसी को भी नहीं पता था। धीरे धीरे उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग ऐना की स्प्रिट को देखने लगे थे। वो उन लोगों को मारती तो नहीं थी लेकिन फिर भी उसके डर से वहाँ रहने वाले सभी लोगों ने वो बिल्डिंग खाली कर दी। कुछ ही समय वो बिल्डिंग एक हॉन्टेड हाउस बन चुका था। तब उस बिल्डिंग की ओनर ऐना की मॉम को बताती है कि ऐना का प्रॉपर फ्यूनरल होना बाकी है इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है। वो ऐना की मॉम को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका फ्यूनरल करे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। उसकी मॉम सब कुछ करती है जिससे ऐना की आत्मा को शांति मिले लेकिन ये सब करने का भी कोई फायदा नहीं होता। ऐना की आत्मा अभी भी उस बिल्डिंग में थी और वहाँ रहने वाले लोग मिलकर एक एग्जॉर्सिस्ट को बुलाते हैं ताकि वो ऐना की आत्मा को वहाँ से भगा सके लेकिन वो भी ऐना के सामने टिक नहीं पाता और उसे भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता। इसके बाद ऐना की मदर एक स्पिरिचुअलिस्ट को बुलाती जो आत्माओं से बात किया करती थी लेकिन ऐना उसे भी डरा कर वहाँ से भगा देती। वो इस बिल्डिंग से जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे तो अपना खोया हुआ प्यार चाहिए था यानी कि मैक। इधर इन सबसे अनजान मैक ऐना को कंटिन्यूसली कॉल और मैसेज करता है लेकिन जब उसे कॉल और मैसेजेस का कोई जवाब नहीं मिलता तब वो ऐना से मिलने वापस आ जाता है। मैक की नज़रों में वो बिल्डिंग और ऐना पहले जैसे ही थे। ऐना उसे बताती है कि हमारा बच्चा है, मैंने तुम्हें इसके बारे में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम इसे अपनाने से मना ना कर दो। मैक अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि हम अब एक कंप्लीट फैमिली है, क्यों ना हम डिनर पर कहीं बाहर चले। ये सुनकर ऐना का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो बाहर जाने से मना कर देती है। मैक को थोड़ा अजीब तो लगा लेकिन वो फिर भी अकेले ही खाना लेने बाहर चला जाता है। वहाँ रहने वाले लोग तो उस बिल्डिंग के बारे में सब कुछ जानते थे इसीलिए वो सभी मैक को घूर घूर के देखने लगते हैं। मैक को ये लगता है कि शायद उन दोनों ने शादी नहीं की इसीलिए ये सब ऐना को ताने मारा करते होंगे, तभी ऐना घर से बाहर निकलना नहीं चाहती थी। मैक ऐना के पास वापस आता है और उसे कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। तब ऐना उसे कुछ दिन वेट करने के लिए कहती है क्योंकि उसे तो पता था कि अगर मैक को सच्चाई पता चल गई तो पक्का यहाँ से भाग जाएगा। मैक उसकी बात मान लेता है लेकिन एक ना एक दिन तो ये बात खुलनी थी। एक दिन मैक एक शॉप में उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की से मिलता है और वो उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है मगर उस शॉप का ओनर उसे सच्चाई बताने से रोक लेता है और मैक के जाने के बाद वो उस लड़की से कहता है कि जब से मैक यहाँ आया तब से ऐना की आत्मा शांत हो गई है, अगर वो भी यहाँ से भाग जाएगा तो फिर से हम सबका जीना हराम हो जाएगा, इसलिए जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। एक दिन मैक बिना ऐना को बताए अपनी मॉम के पास चला जाता है उन्हें ये बताने के लिए कि वो ऐना से शादी कर रहा है लेकिन उसकी मॉम उसे बताती है कि ऐना तो मर चुकी है। ये सुनकर वो शॉक रह जाता है लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम की बातों पर बिलीव नहीं करता क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मॉम ऐना को बिल्कुल पसंद नहीं करती इसीलिए ये सब कुछ कह रही है। अब मैं कन्फ्यूजन में था क्योंकि कोई भी उस बिल्डिंग में आता जाता नहीं था और वहाँ आसपास रहने वाले लोग उससे डर डर के बात किया करते थे। एक दिन मैक अपने बच्चे की पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करता है। पिक्चर देखते ही मैक इतना डर जाता है कि उसके हाथ से फ़ोन गिरकर टूट जाता है। आवाज़ को सुनकर ऐना वहाँ आती है और वो खुद ही मैक को फ़ोटो लेने के लिए कहती है और वो उसी फ़ोन से एक फैमिली फ़ोटो क्लिक करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहने लगे हैं और मैक भी अपनी मॉम की कई बातों को भूल चुका था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। हम देखते हैं कि इनके नेबर्स आपस में बात कर रहे हैं कि मैक एक हफ्ते से बिल्डिंग से बाहर नहीं निकला। हो सकता है कि निकला हो पर उन्होंने देखा ना हो और कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐना की आत्मा ने मैक के साथ कुछ कर दिया। हम उसी लड़की को देखते हैं जो मैक को उस दिन शॉप पर मिली थी। ये लड़की मैक को पसंद करती थी इसीलिए उसे मैक की चिंता हो रही थी। वो सबसे कहती है कि अपने मतलब के लिए हम एक लड़के को भूत के साथ तो रहने नहीं दे सकते और वो कल ही मैक को ऐना की सारी सच्चाई बता देगी। उसकी ये बात ऐना सुन लेती है और उस लड़की को रात भर परेशान करती है। इसके बाद वो लड़की इतना डर जाती है कि नेक्स्ट डे एक मीटिंग फिक्स करती है और यहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक बहुत ही फेमस मॉन्क जो कि भूत भगाने में एक्सपर्ट है उनसे वो मिलने जाएंगे और सिर्फ वही है अब जो इन लोगों की मदद कर सकते थे। अगले दिन ही उस बिल्डिंग की ओनर और वो लड़की मॉन्क से मिलने निकल जाते हैं। वो दोनों उन्हें वहाँ के हालात के बारे में बताती जिसके बाद वो मॉन्क उनके साथ आने के लिए रेडी हो जाता है।
उस बिल्डिंग में पहला कदम रखते ही उन्हें ऐना की प्रेजेंस फील होती है और वो कहते हैं कि वो आत्मा फोर्थ फ्लोर में है। इसके बाद वो अकेले ही फोर्थ फ्लोर में पहुंचते हैं और ऐना को भी उनके आने का पता चल गया था। वो मैक और अपने बच्चे को टेरेस पर भेज देती है और खुद ही उस मॉन्क को डराने आ जाती है। ऐना को लग रहा था कि जैसे उसने बाकी के लोगों को डराया था और भगा दिया था, वो इनको भी डरा के भगा देगी, लेकिन वो मॉन्क उसकी आत्मा को बांधने लग जाते हैं। तभी मैक वहां आ जाता है और उस मॉन्क को ऐना को छोड़ने के लिए कहता है। वो मॉन्क उसे एक मंत्र पढ़ने के लिए कहते हैं ताकि वो ऐना के हिप्नोसिस से बाहर आ सके। ऐना मॉन्क से रिक्वेस्ट करती है कि मैक को सच ना बताएं, लेकिन अभी तो पूरा सच रिवील होना बाकी था। मैक अपनी आंखें बंद करता है और वो पहुंच जाता है उस टाइम में जब वो अपने बच्चे की फोटो क्लिक कर रहा था और उसका फोन टूट गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि उस टाइम हमें पूरा विजन तो दिखाया ही नहीं गया था। मैक अपने बेटे की भयानक तस्वीर देखकर ऐना के हिप्नोसिस से पहले ही बाहर आ गया था और अब वो भी ऐना की वही आत्मा को देख सकता था जिसे सभी लोग देखा करते थे। मैक डरकर घर से बाहर भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे रियलाइज होता है कि ऐना के साथ ये सब उसी की वजह से तो हुआ है। ये वही लड़की थी जिसे वो प्यार करता है और उसके जाने के बाद उसने कितना कुछ सहा। इसके बाद वो ऐना के पास वापस जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। लेकिन वो रियलाइज नहीं करता कि वो भी एक आत्मा बन चुका है और ऐना के पास घर लौट आता है। ऐना उसे देखते ही समझ गई थी कि मैक अब जिंदा नहीं है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और वो तीनों एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। तो इसी सच्चाई के बारे में ऐना उस साधु को बताने से मना कर रही थी, क्योंकि अब मैक सब कुछ जान चुका था। तब वो दोनों मॉन्क से उनके हाल पर उन्हें छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करते। उन दोनों की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी और अब दोनों ऐसे ही अगर खुश रहना चाहते हैं तो यही से। वो मॉन्क उनका सच्चा प्यार देखकर दोनों को उस घर में रहने का एक मौका देते हैं, पर शर्त यही होगी कि कभी भी वो लोग उस घर से बाहर नहीं जाएंगे और वहाँ रहने वाले किसी भी इंसान को वो लोग परेशान नहीं करेंगे। दोनों ही मॉन्क की शर्त मान लेते हैं और इस दिन के बाद उस बिल्डिंग में कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। इधर मैक की मदर भी ऐना को एक्सेप्ट कर लेती हैं और वो दोनों ऐसे ही एक साथ खुश रहते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, ये थी साल 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर रोमांटिक मूवी घोस्ट वाइफ। इसकी कहानी सिंपल थी, लेकिन जो एंड में ट्विस्ट आया वो काफ़ी अमेजिंग था। अगर आप पूरी मूवी देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है जहाँ से आपको ये कंप्लीट मूवी देखने को मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।